हमज़ा का भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, हाइपर एक्टिविटी, ऑब्सेशंस, ये चीज़ें इसकी पीक पे हैं। तो इसके साथ एक टेक्निक जो मैंने यूज़ की जो हेल्पफुल है बहुत, इसकी ऑब्सेशन थ्रेड्स के साथ बहुत थी, उसको मैंने रिप्लेसमेंट के तौर पे डिफरेंट चीज़ें देनी शुरू कर दी। अब वो थोड़ा सा उससे डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मैंने देखा कि तस्बीह के साथ इसका ज़्यादा अच्छा था। तस्बीह में ये फिर उसके वो साथ अपना नीड भी मीट कर लेता है जो ऑब्सेशन है इसको, और तो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो वो तस्बीह एक मैंने इसकी पॉकेट में रखवा दी है। अब ये वो जब इसको मैं कहता हूँ कि पॉकेट से, जब जिसने मुझे लगता है गैप आ गया काफ़ी, तो मैं इसको फिर वो कहता हूँ कि वो तस्बीह निकाले और तस्बीह करे, अल्लाह अल्लाह पढ़े उस पर। वो कुछ ना कुछ अटर भी करता रहता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं उसके साथ खेलूँ, लेकिन मुझसे खेलने से पहले मैंने उसको जो है डिफरेंट काम डिफरेंट करा देता हूँ, थोड़ा सा तस्बीह करवा देता हूँ। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो उसकी उस अपनी प्लेइंग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता है, और बहुत सारी ये स्टिमिंग या लॉस्ट होना दूसरी चीज़ों में जो है वो उसमें गैप आ जाता है। तो ये इस अंदाज़ से इसको मैं डील कर रहा हूँ। तो वाकई ये इनकी ऑब्सेशन इस तरह की एक एक चीज़ से हटती है, या रेपिटेटिव बिहेवियर्स इनके एक चीज़ से हटते हैं तो दूसरे पे चल जाते हैं। अब ये कामली बैठा हुआ है मेरे पास, इसमें हाइपर एक्टिविटी उस अंदाज से नहीं है। रादर मैं ये कहूँगा कि शायद ये वेट कर रहा है कि मैं कब इसको कहूँगा कि चलो तस्बीह निकालो और तस्बीह से तस्बीह करो और उसको इसको वो मिल। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं करनी, वेट, अभी वेट है, वेट करना है अभी थोड़ा सा। ही हर्ड इट एंड ही ट्राइड फॉर दैट। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ों को हम रिप्लेसमेंट बिहेवियर में भी दे के बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसकी हाइपर एक्टिविटी और रेपिटेटिवनेस को भी उसमें हम कंट्रोल कर देते हैं। अब इसमें मेरी कोशिश है कि इसका ये जो मुख्तलिफ किस्म के धागे ये ढूंढता रहता है हर जगह पे, वो चीज़ ख़त्म हो के ये एक धागे पे या एक तस्बीह पे उस अंदाज में आ जाए। जब वो उस पर आ जाएगा तो अब जो उसका वो बिहेवियर हर जगह पे, वो जो ढूंढने वाला और करने वाला है, वो शायद कम हो जाएगा, और एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए वो उसके हो गया, वो फिर फेड करनी नस्बता आसान होती है। जब इसको कुछ काम करवा रहे हैं, इन्वॉल्व है किसी एक्टिविटी में, उस वक्त ये प्रॉब्लम्स नहीं होते इसके। वेट करना, अभी ठहर के, अभी लेंगे, वेट 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 फॉर दैट, वेट, गुड बॉय। और अदरवाइज ये फोकस इसका जब आइडल होता बैठता है तो फिर स्टेमिंग और हाइपर एक्टिविटी रेपिटेटिवनेस उन चीज़ों में इसका ज़्यादा हो जाता है। अभी इसको मैंने डिफरेंट उसमें लगा दिया कि ये तो उसके लिए वेट कर रहा है, और ये और इंस्ट्रक्शन यानी कि उसको मैं करवा देता हूँ। तो कंप्लाइंस में है तो इसकी इन चीज़ों को कंट्रोल करना भी मेरे लिए आसान है। उतार लो टोपी, टोपी उतार लो, शाबाश। नहीं तस्वीर वेट करना, अभी तो वेट करना है, बताऊंगा, आई टेल यू, आई टेल यू मेरे बेटा, गुड। पेन ही नहीं है टोपी, ठीक है, हीटर लगा पुत्र, रहने दो। चलो तस्वीर कर लो मेरा बेटा, तस्वीर कर लो, शाबाश। वन बाय वन, पहले पहले वन बाय वन, बाद में खेलना है, अल्लाह करो। करो करो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, करो। शाबाश, पूरा करो पहले, वन बाय वन भाई, पूरा करो, स्लो, वन बाय वन, सारे इकट्ठे नहीं करने, हमजा चीटिंग नहीं करनी, कम ऑन करो। गुड, लाउड लाउड, शाबाश, चलो यहाँ पे जो ये कर रहा है ये खेल है इसका, जो उसकी ऑब्सेशन वाला अंदाज ये डिफरेंट मूविंग चीज़ों को, स्ट्रिंग्स को इस तरह से ये हिलते हुए देखता है और लॉस्ट हो जाता है। अभी इसको मैंने करने के लिए नहीं कहा तो इसने ये खुद ही स्टार्ट दोबारा कर दी पैटर्न, यानी कि बहुत पहले मैंने ख्याल 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा इसको ये दिया है कि इस तरह करवाया है, और अब इसने ये खुद ही कर दिया है। तो दिस इज़ समथिंग मॉडिफिकेशन उसकी बिहेवियर की, जो एक ऑड वन से एक्सेप्टेबल की तरफ ये मूव कर रहा है।
ये कुछ आज ही मैं 2 दिन बल्कि इसके साथ मुझे हुए हैं इस तरह से, पहले 1 दिन कराई थी और फिर आज से इसका रेगुलर मैंने इसका ये शुरू किया है। चलो खेल लिया, चलो रख लो उसको, रख लो शाबाश, चलो रख लो, फिर बाद में करेंगे, रख लो शाबाश, रखो रखो, हरी आप ना रखो शाबाश, जल्दी से रखो, रख लो जल्दी, दिल उसका नहीं है छोड़ने को। चलो लीव इट ना, छोड़ दो, डालो अंदर, अंदर डालो शाबर, टर्न दिस साइड, टर्न दिस साइड, छुप के खेल, रखो उसके अंदर पूरा करो, रखो उसको सारा सही तरह, सही तरह, प्रॉपरली, इन 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 इन, चलो चलो क्लोज द पॉकेट, चलो बैठ जाओ, चाप नहीं खोलना, नहीं पॉकेट नहीं खोलनी, हाथ नहीं, हाथ बाहर, दूसरा भी, दूसरा हाथ बाहर, हैंड्स आउट, यस, चलो अभी फिर बैठ जाओ, वेट करो, अभी फिर ये इंतजार करेगा थोड़ी देर तक के लिए, लेकिन इसका फोकस उसी पे है कि मुझे कब मैं निकालूंगा, तो मकसद ये कि उसमें उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपनी वर्बल या वोकल स्टिमिंग से, हाइपर एक्टिविटी से, उन चीज़ों से ये फोकस हो गया उसका वहाँ पे, तो ये इस तरह से हम बिहेवियर को थोड़ा सा एड्रेस करते हैं इनडायरेक्ट वे में, हम उसको बजाय डायरेक्टली मना करने के, हम उसको एक चीज़ पे लगा देते हैं और फिर उसको फेड कर देते हैं ग्रेजुअली। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ा वेट तो किया करो यार हमजा, पीछे के बैठे हैं, सिट प्रॉपरली हमजा, यानी गुड बाय, बैठ जाओ बेटा, थक जाओगे, तस्वीर नहीं की, कर लो शाबाश, कर लो।
स्लो करनी है, स्लो, वन वन, ये बाद में, ये बाद में, पहले वन वन करो। करो करो, शाबाश, अल्लाह अकबर, पहले करो, पहले करो, उसको पूरा करो, शाबाश, वन बाय वन, वन बाय। अभी नहीं, पहले पूरा करो, वन बाय वन, वन, गुड, स्लो स्लो, वन, स्लो किया करो बेटा, ऊपर देख के। चलो डन, डन, चलो रख लो, रख लो, रख लो, रख लो, शाबाश। इधर मुँह करके, इधर मुँह कर, रखो, फ्रॉड नहीं लगाया करो यार। क्लोज कर दो पॉकेट, क्लोज, क्लोज नहीं हुई पॉकेट तुम्हारी, क्लोज करें पॉकेट, अदर पॉकेट, अदर, उधर वाली, वाली, नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। गुड बॉय, नाइस स्विंग, चलो जाओ खेलो, जाओ, चलो बैठ के खेलो, बैठ के खेलो, गुड बॉय, नाइस डूइंग।